दोज नैस्टी डॉट्स ऑन योर फेस, जी हाँ, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका अपीयरेंस बट आपका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक नीचे चला जाता है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी, जिससे आपका ये जो ओपन पोर्स का अपीयरेंस है ये धीरे धीरे सबसाइड होगा और ग्रेजुअली कंप्लीटली गायब हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अपडेटिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं धूप में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ तो बादल आने जाने की वजह से लाइट का काफी ज्यादा ट्रांजिशंस हो रहे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप विंटर्स खूब जम के एंजॉय कर रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं या नहीं। धूप में बैठना बहुत जरूरी है। आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर जो विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता है उसको फिक्स करने के लिए विंटर्स आर द बेस्ट टाइम। आराम से धूप में बैठिए और अपनी बॉडी को वो स्ट्रांग डोज ऑफ विटामिन डी देते रहिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही रिलेटेबल और एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज योर ओपन पोर्स। सबसे पहले जानते हैं पोर्स क्या है। ओपन एंड क्लोज की बात भी हम करेंगे बट पोर्स है वो छोटे छोटे छिद्र जो कि आपकी पूरी स्किन पर मौजूद हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी स्किन काफी ज्यादा टाइटन एंड काफी ज्यादा सपल होती है, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये विजिबल नहीं होते। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम एज करते हैं स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज करती है, जिसकी वजह से ये जो पोर्स होते हैं ये काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, काफी ज्यादा ओपन अपीयर होते हैं। क्या मुझे ओपन पोर्स का इश्यू है? जी बिल्कुल है। आप देख सकते हैं, मैं अभी धूप में आपको दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे से पोर्स जो आपको दिख रहे हैं दीज आर ओपन पोर्स। हाउएवर मैंने अभी सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है तो थोड़ा सा अपीयरेंस कम हो जाता है, लेकिन ओपन पोर्स ऑलमोस्ट आज की पॉपुलेशन में सबको है। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द रीजन, एक्सेसिव ऑयल अगर आपके स्किन से सिक्रीट होता है दैट इज द रीजन आप अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। दैट्स द रीजन अगर आप एज कर रहे हैं तो स्किन अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन। अगर आपको किसी भी तरह का हॉर्मोनल डिसबैलेंस है तो भी आपके जो पोर्स हैं वो काफी ज्यादा वाइड और ओपन नजर आते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रूटीन, एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपको ओपन पोर्स का जो इश्यू है, जिसकी वजह से यू नो इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कम्प्लीटली चला जाएगा। धीरे धीरे इसकी अपीयरेंस कम होगी और ग्रेजुअली कम्प्लीटली चली जाएगी। अगर आपकी स्किन हेल्दी है और काफी ज्यादा यू नो रिवर्ट करती है टू द नेचुरल रेमेडीज, आई प्रॉमिस यू कि शायद आपको ग्लास स्किन भी अचीव हो सकती है। लेकिन आपको इस पूरे रूटीन के लिए बहुत ही ज्यादा रिलीजियस का मतलब होता है रेगुलरली करना है विदाउट एनी नागा। आज जो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बहुत ही छोटे छोटे से पार्ट्स है, कोई बहुत बड़ा बड़ा तामझाम आपको नहीं करना है। अगर आप इसको बहुत ही रिलीजियसली सुबह और शाम 2 बार कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो मैं क्या, आपको खुद ही पता चल जाएगा 3-4 दिन में कि ये कितना पोटेंट है। हाउएवर हमारे पास टाइम नहीं है, इतना सारा हम नहीं कर सकते। तो आप रात को सोते हुए इसको विदाउट फेल फॉलो कीजिए। सारी की सारी चीजें आपके घर पर अवेलेबल है, नहीं है तो आप प्लीज मेक एन एफर्ट टू मेक थिंग्स अवेलेबल टू योर सेल्फ। इन सारी चीजों को अपने घर पर हैंडी रखिए फॉर सम टाइम, एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज के लिए आप ट्राई कीजिए। वो ना सिर्फ आपके ओपन पोर्स को कम्प्लीटली फिक्स कर देगा बट आपके स्किन के टेक्सचर को अनदर लेवल ले जाएगा। बिलीव मी, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पावरफुल और कितना पोटेंट है। अगर आपको ओपन पोर्स और वाइट पोर्स का इश्यू काफी लंबे अरसे से है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपको अभी रिसेंटली और लेटली यू नो ओपन पोर्स का इश्यू हुआ है तो बिलीव मी विद इन 10 or 15 डेज आपके ओपन पोर्स कम्प्लीटली गायब होने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, आपको हॉट टॉल अपनी स्किन पर लगाना है जहां पर भी आपको ओपन पोर्स का इश्यू है। इट्स वेरी सिंपल, आप एक मग में गर्म पानी ले लीजिए, टॉल को डिप कर लीजिए और जहां भी आपको यूज करना है यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू टेम्परेचर। जैसे ही गर्म टेम्परेचर उस पर टच होता है इट ओपन्स अप। जैसे ही वो ओपन हो जाते हैं आप उसको क्लीन कर सकते हैं। हियर कम्स स्टेप नंबर 2, आप लोगों को लेना है अ मिक्स ऑफ हनी एंड योगर्ट। योगर्ट इज नथिंग बट दही में से आप पानी हटा दीजिए। योगर्ट और हनी को आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और आपका जो अफेक्टेड एरिया है जहां पे भी आपको ओपन पोर्स यू नो काफी ज्यादा विजिबल है वहां पर लगा लीजिए। ये मिक्सचर आपके ओपन पोर्स को कंप्लीटली क्लीन कर देगा एंड हनी से ज्यादा टाइटनिंग फॉर योर स्किन कोई नेचुरल रेमेडी है ही नहीं। हनी वर्क्स वंडर फॉर योर ओपन पोर्स। स्टेप नंबर 3,
10 से 15 मिनट इस मास्क को अपने चेहरे पर रखने के बाद आप इसको हॉट टॉवल से अगेन वॉश ऑफ कर देंगे. व्हाट्स हैपनिंग, हमने पहले हॉट टॉवल का इस्तेमाल किया, फिर हमने हनी इस्तेमाल किया टू श्रिंक इट, एंड नाउ अगेन हॉट टॉवल. बिलीव मी, आप इस तरीके से जब अपने पोर्स को एक्सरसाइज करेंगे, दे आर गोइंग टू बी फिट एंड फाइन टू अनदर लेवल. बिकॉज हमारे स्किन के जो पोर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी वाइडेंड अप, दे रिक्वायर प्रैक्टिस टू बी क्लोज्ड ऑल द टाइम. एंड ऑल्सो हम जो नेचुरल रेमेडीज करते हैं, ये आपकी चेहरे पे जो पोर्स हैं, इनको और ज्यादा हेल्दीफाई करते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं. स्टेप नंबर 4, स्प्लैश वेरी कोल्ड वाटर ऑन योर फेस. ठंडिया है आई नो, बट बिलीव मी फॉर योर स्किन, ठंडा पानी इज नथिंग बट अमृत. आप अच्छे से ठंडा पानी, अगर आपके टैप वाटर ही काफी ठंडा है तो नथिंग लाइक इट, आप वही यूज कर लीजिए. बट अगर वो मॉडरेट है और आप सहन कर पा रहे हैं, सो हमें सहनीय वाला नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा हार्श चाहिए, तो आप आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए और स्प्लैश कीजिए. कोल्ड टेम्परेचर, मैंने आपको बोला आपकी स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर. जब हमने हॉट टॉवल लगाया तो पोर्स ओपन हो गए. नाउ यू टेल मी, जब हम आइस कोल्ड वाटर स्प्लैश करेंगे तो क्या होगा? आपके पोर्स कंप्लीटली टाइटन्ड अप और क्लोज हो जाएंगे. क्या हमेशा रहेगा? जी नहीं, फिर से टेम्परेचर वेरिएशन आएगा तो फिर से डिफरेंस आएगा. इसीलिए इसके बाद हमें अप्लाई करना है एक बहुत ही न्यूट्रिटिव टोनर. ये टोनर में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टेप नंबर 5, क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरे का रस और रोज वाटर आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दीजिए, एक स्प्रे बॉटल में स्टोर कर दीजिए एंड स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस. बिलीव मी, द काइंड ऑफ अमेजिंग टोन्ड अप इफेक्ट जो आपकी स्किन पे आएगा, you are going to fall in love with it. I always say that. स्टेप नंबर 6, माय फेवरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को अप्लाई करनी है एक क्रीम जो कि आप घर पर खुद प्रिपेयर करेंगे, एंड इट इज द मोस्ट न्यूट्रिटिव एंड अमेजिंग क्रीम फॉर योर स्किन. अगर आप ये रेमेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये क्रीम अपने लिए बना लीजिए एंड सी द मैजिक, ये इतनी अमेजिंग है आपके लिए. इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 6 से 7 भीगे हुए बादाम. आप ओवरनाइट सोक कर दीजिए आमंड्स को, सुबह उठ के इन्हें पील ऑफ कर दीजिए, और जो व्हाइट गिरी है आपको सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है. इन गिरी को आपको अच्छे से मोटा में या जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं इसको क्रश करना है और एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है. आप ब्लेंड करना चाहते हैं, आप ग्राइंड करना चाहते हैं, आप क्रश करना चाहते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप कर लीजिए, और एक स्मूथ सा पेस्ट बना के एक डिब्बी में स्टोर करके रख दीजिए इन द रेफ्रिजरेटर एंड यू आर गुड टू गो. जैसे ही आप सारे स्टेप्स कर लेंगे, स्टेप नंबर 6 में आपको ये थोड़ी सी क्रीम लेनी है और इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन लेने हैं. अब आप देखिए क्रीम में एक्चुअल में हो क्या रहा है. आमंड इज नथिंग बट विटामिन ई. अब तो मैं सबको पता चल चुका होगा, मैं इतनी बार आमंड ऑयल के बारे में बात कर चुकी हूं. आमंड में है विटामिन ई, आपने डाला नींबू जिसमें है विटामिन सी. विटामिन ई एंड विटामिन सी का कॉम्बिनेशन फॉर द स्किन इज नथिंग बट वरदान. मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट है, इट इज देयर. इतना अमेजिंग है ये ब्लेंड आपकी स्किन के लिए कि आप रात को ये 6 स्टेप्स करके सो जाइए एंड मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप आइएगा. आई एल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू कम बैक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये रेमेडी आप लोगों के लिए कितनी बेहतरीन रहने वाली है. मैं तो सोच ही रही हूँ अभी तक कि कितना आप लोगों को मजा आने वाला है इसको इस्तेमाल करके. हाउ लॉन्ग शुड वी डू दिस? मिनिमम 15 डेज आप ट्राई कीजिए एंड ऑब्वियसली फिर अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम. क्या इस पूरे रूटीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, जितनी भी चीजें मैंने यहां पर यूज करी हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी नेचुरल, बहुत ही सेफ है टू बी यूज्ड ऑन स्किन. लेकिन अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप अपने गर्दन पर ओवर हियर एक पैच टेस्ट day 1 पर सारे के सारे स्टेप्स एज अ पैच टेस्ट कर लीजिए. कोई हार्म नहीं है, आई एम 100% श्योर कि आपको ये सूट करेगा बिकॉज कोई भी चीज बहुत हार्श नहीं है. हमने यहाँ विटामिन सी के लिए लेमन ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया है. अगर इट इज वेरी स्ट्रांग फॉर यू तो आप टोमेटो जूस भी यूज कर सकते हैं. हमें विटामिन सी चाहिए, चाहे लेमन से मिले चाहे टोमेटो से मिले. सो आई होप दिस पर्टिकुलर रेमेडी एंड रूटीन वॉज अमेजिंग फॉर यू. आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने डेफिनेटली मिला हो. डू ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ. आई एम वेटिंग फॉर योर वंडरफुल कॉमेंट्स. आप सब बहुत खुश होने वाले हैं इसको इस्तेमाल कर. मैं कोई भी रेमेडी आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंटल शेयर नहीं कर रही हूँ. देर आर सो मेनी पीपल हुम आई एम सजेस्टिंग थिंग्स, और जब उनको रिजल्ट्स मिलते हैं और उनके हार्टफेल्ट नोट्स मेरे पास वापस आते हैं,
दैट्स व्हेन आई गेन कॉन्फिडेंस कि मैं आप लोगों को आकर बताऊं कि आप भी इनको ट्राई कीजिए एंड हैव द वंडरफुल ऑफ रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।